आज हम पका रहे हैं टेंट चले फिर मैंने लाइट को गर्म किया था। अभी तो हम प्याज डाल रहे हैं फिर हम गोल्डन ब्राउन करेंगे उस वक्त तक प्याज को डालेंगे। शामिल करेंगे हरी मिर्च और टमाटर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे ताकि और इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करेंगे मिर्च शामिल करेंगे मिर्च आप नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। मैं सवा दो चम्मच के करीब डालूँ और कड़ी खट्टी है तो नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तकरीबन मैं 3 चम्मच के करीब शामिल कर दी। दही से कड़ी बन गई तो दही आपके पास तकरीबन 1/2 किलो या 300 के करीब होना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो मसाला भी ऑयल में छोड़ दें। तो अब मैं फ्लेम थोड़ा स्लो करूँगी और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और मिर्चें जो मैंने शामिल की वो पीसी भी की, अगर आपकी टूटी भी शामिल करनी तो वो भी कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। मसाला भून गया क्योंकि मसाला भूनता है इसके बाद में क्या करना है बताते हैं आगे आपको। मसाला तकरीबन भूनने के करीब है तो अभी इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ते, ये 15-20 होंगे। और इसमें हम ये डालेंगे कसूरी मेथी, ये मार्केट से मिलती है आप ले लीजिए। और इसमें अब शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला ताकि टेस्ट अच्छा है मसाले का। 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला शामिल करेंगे, बाकी जब कड़ी तैयार होगी तो उसको शामिल करेंगे। इसको भूनेंगे खुशबू आने लगे तो इसको लस्सी वाला बेसन जो हमने मिक्स किया है वो शामिल करेंगे। आज हम पका रहे हैं 20 मिनट होने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़े, इसके लिए हमें चाहिए लस्सी। ये दही की लस्सी हमने बना ली है, इसमें अब हम ऐड करेंगे बेसन, थोड़ा थोड़ा बेसन इस तरह से डालते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी गुस्सा ना हो। तकरीबन 200 ग्राम के करीब बेसन इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फेंट लेंगे उसके से मिक्स कर लें ताकि बेसन वगैरह भी नहीं बना रहे। लस्सी से भी कड़ी बहुत अच्छी बनती है, अगर आप छाछ की आ रहे तो उससे बहुत अच्छी कड़ी बनती है। और दही के लस्सी के लिए जो दही वो आपको खट्टा होना चाहिए और साथ ही लस्सी थोड़ी खट्टी चाहिए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो मैं अभी इसका मसाला तैयार करता हूँ। ये
देखें कितना अच्छा है, इसमें कितना अच्छा है मसाला तकरीबन भुन चुका है। ये मसाले ने घी जो ऑयल है वो छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो लस्सी के अंदर बेसन हमने सबसे पहले मिक्स किया था, वो तो दोबारा मिक्स कर लें, नीचे बेसन बैठ ना जाए। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इस मसाले में शामिल करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। चूल्हे का फ्लेम हाई कर लें। आप ये जो ये मिक्सर बनाया इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। और इसमें उस वक्त उसके ऊपर चमचा चलाते रहेंगे जब तक कि इस कढ़ी को अच्छी तरह उबाल नहीं आ जाता। जब इसमें गड़क लग जाएगी, उबाल आ जाएगा, फिर आप उसका फ्लेम नॉर्मल मीडियम करके तो इसे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 20-25 मिनट तक। माशाल्लाह अभी फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे जब इंतज़ार करेंगे इसके बॉयल आने का। जब तक हमारी कढ़ी तैयार होती है तो हम उस वक्त तक पकौड़ों कढ़ी के लिए जो पकौड़े बनेंगे उनकी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। चलो आए चलते हैं, उनके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देख लें। प्याज चाहिए हमें, ये तक मीडियम साइज़ के 4 प्याज हैं, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ये धनिया है और ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें 10-12 लिए मैंने। और ये आलू लिए हैं, आलू का फिंगर चिप्स जिस तरह बनते हैं उस तरह से कटिंग कर लें। और ये तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 आलू हैं, छोटे हों तो आप बढ़ा दें। और मेरे पास थोड़ी सी पालक रखी थी तो इसमें पालक भी ऐड करूँगी। और ये मेन की इसमें बेसन जाएगा। और ये नमक है 1 टेबलस्पून के करीब, 2 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा सूखा धनिया। और ये कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, ये 1.5 चम्मच के करीब है। और ये है बेकिंग सोडा, चलिए यहाँ तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, पालक, आलू, धनिया और चौकी मिर्ची, पकौड़ों का मेरा तो खैर ऐसे ही तैयार होगा। नमक शामिल करेंगे, सूखा धनिया, सूखी मिर्चें और बेकिंग सोडा। पहले इसे सिर्फ ड्राई मिक्स कर लेंगे, फिर हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे। अगर आप पहले पानी शामिल कर लें तो फिर आपसे ये जो आमेजा है वो थोड़ा पतला हो जाएगा, तो इसलिए आप पहले ड्राई चीज़ों को ही मिक्स कर लें। इससे पानी जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना पानी आपको शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो आपने इसमें इंग्रीडियंट्स आए अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ये अब देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब देखें इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो कम ही जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा और इसमें मिक्स करते जाएंगे। मिक्स कर लिया हमने और मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट लेंगे। मिक्स कर लिया हमने और मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट लेंगे।
कढ़ाई में हमने तेल डाला था, ये गर्म हो गया है। अभी हम इसमें पकौड़े डालने लगेंगे। पकौड़े डालते जाए, अब ये फ्राई होंगे। आज मीडियम पर, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसे। हमारा ऑयल क्योंकि गर्म हो गया है तो इसके पकौड़े जल्दी फ्राई हो गए। आप फ्लेम मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। पकौड़े आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं, बड़े भी छोटे भी जैसे आपको पसंद है। कड़ी में बड़े अच्छे लगते हैं पकौड़े। कड़ी पकौड़े की रेसिपी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह से दिए हमारी, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं वो मसाला तैयार करने के बाद उसमें पकाते हैं, फिर बाद में बघार लगाते हैं पकौड़े डालने के बाद। और कुछ लोग जो कड़ी के लस्सी के अंदर बेसन मिक्स करके उसी में सब मसाले मिक्स करके तो चढ़ा देते हैं। उस तरीके से ही बनती है कड़ी, हमारे यहाँ इस तरीके से ज़्यादा पसंद की जाती है। पकौड़े हमारे तैयार हो गए, अब इन्हें हम कढ़ी में शामिल करेंगे। गरम गरम ये सारे पकौड़े इसमें शामिल करेंगे। अब हम भगार का मसाला तैयार करेंगे, इसको डिप कर देंगे अंदर। चाहिए ये चीज़ें, में ज़ीरा शामिल है, गोल वाले सावे में शामिल है, और ये कड़ी पत्ता। तो आज तैयार करते हैं। ऑयल गर्म कर लिया हमने पहले से, अब ऑयल में हम ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा थोड़ा सा कर कर आएंगे। मिर्ची शामिल कर देंगे, साथ में कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे, देखें इसकी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते से। कड़ी जो है बगैर कड़ी पत्ते के बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते, तो कड़ी पत्ता लाजमी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलें बघार तैयार हो गया हमारा। चलिए अब हम शामिल करते हैं बघार को कढ़ी के अंदर। देखिए कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। और इसे हम घड़े गार्निश करेंगे धनिए से। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारे यहाँ तो चावलों के साथ कढ़ी पसंद की जाती है बहुत, तो ये मैंने चावल डाल लिए हैं जिसमें हम कढ़ी निकालेंगे। बस अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में